हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी गाइडर। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से ध्यान भी रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले हैं गुड वाइब के लिक्विश ब्राइटनिंग बॉडी लोशन का। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसकी बॉटल की बात कर लेते हैं। प्लास्टिक की बॉटल है, इस टाइप का इसकी कैप रहती है। फ्रेंड्स, काफ़ी सुंदर सी बॉटल है और काफ़ी टाइट ये कैप रहती है, ट्रैवल फ्रेंडली हम इसको कह सकते हैं फ्रेंड। और इसके अलावा ये जो बॉटल है ये 200 ml की बॉटल है फ्रेंड, और इसके जो प्राइस है वो है 200 rupees। लेकिन फ्रेंड्स, पर्पल पे ये मुझे 150 rupees की मिल गई थी। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो गुड वाइब्स के प्रोडक्ट हैं अब वो अमेज़ॉन पर भी अवेलेबल हैं, तो आप उसको वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसकी शेल्फ़ लाइफ की बात कर ले तो इसकी शेल्फ़ लाइफ है वो है 2 ईयर की। अब फ्रेंड्स, इस जो गुड वाइब्स के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं फ्रेंड्स, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें सल्फेट है, लेकिन ज़्यादातर प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके अंदर सल्फेट, पैराबीन, कोई भी मिनरल ऑयल या फिर कोई भी हार्मफुल केमिकल का यूज़ नहीं किया गया है। इसमें सभी ज़्यादातर इंग्रेडिएंट जो होते हैं वो नेचुरल इंग्रेडिएंट का यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स। अच्छा फ्रेंड, चलिए इंग्रेडिएंट पे बात कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सबसे पहले मेन इंग्रेडिएंट है लिकोरिश, लिकोरिश यानी कि मुलेठी। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसके अंदर एवोकाडो ऑयल है, कोको बटर है, कॉफ़ी सीड एक्सट्रैक्ट का यूज़ किया गया है इसके अंदर। और इसके अंदर फ्रेंड्स, वनीला फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, रोज़ ऑयल का भी इसके अंदर यूज़ किया गया है फ्रेंड्स। इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि जो इसके इंग्रेडिएंट हैं वो क्या काम करते हैं, उनका क्या वर्क है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है लिकोरिश, लिकोरिश यानी कि मुलेठी। तो मुलेठी जो होती है वो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करती है, और हमारे स्किन के अंदर कोई भी दाग धब्बे पड़ जाते हैं तो वो उसको ठीक करने का काम करती है। हमारे स्किन का जो कलर है उसको फेयर करने का काम करती है फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसके अंदर है एवोकाडो ऑयल। एवोकाडो ऑयल जो होता है फ्रेंड्स, वो उसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, वो हमारे कोलाजन को बढ़ाता है, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करने का काम करता है। अब इसके अंदर है फ्रेंड्स कॉफ़ी सीड एक्सट्रैक्ट। जो कॉफ़ी सीड एक्सट्रैक्ट होता है ना फ्रेंड्स, क्या काम करता है, वो हमारे जो टिश्यू होते हैं उसको रिपेयर करता है। और उसको रिपेयर करने के साथ साथ फ्रेंड्स, वो क्या करता है कि हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है, हमारे स्किन को ब्राइटन बनाता है। अब फ्रेंड्स, इसके अंदर है कोकोआ बटर। जो कोकोआ बटर होता है वो एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करने के साथ साथ हमारे स्किन में ग्लो लाने का काम भी करता है। अब फ्रेंड्स, इसके अंदर है वनीला फ्रूट एक्सट्रैक्ट। जो वनीला होता है ना फ्रेंड्स, वो हमारी स्किन अगर ड्राई पड़ गई है तो उसको मॉइस्चराइज करता है। हमारे स्किन के अंदर कोई भी चोट लग जाती है, कई बार उसका दाग धब्बा पड़ जाता है, तो उसको भी वो फेड करने का काम करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो हमारे स्किन के अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती है, जो हमारे स्किन के अंदर जल्दी से एजिंग बढ़ने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, उसको भी वो स्लो डाउन करता है। तो फ्रेंड्स, इसके सभी इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका डेमो और इसका जो कंसिस्टेंसी है वो कैसी है फ्रेंड्स। मुझे इस प्रोडक्ट को, ये देखिए फ्रेंड्स, ये सिर्फ इतना सा बचा है, मुझे उसको यूज़ करते करते वन मंथ और 7 days हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए वाइट कलर का ये आता है और काफ़ी ज़्यादा थिक है ये फ्रेंड्स, मेरा काफ़ी फिनिश हो चुका है, तो ये काफ़ी ज़्यादा थिक है इसके अंदर फ्रेंड्स। इसमें जो बड़ा वाला इसका वेरिएंट है वो पंप वाला आता है, बट मुझको यही वाला मिला, पंप वाला मुझको नहीं मिला। ओ, ये तो बहुत सारा निकल गया फ्रेंड्स, ये देखिए ये बहुत सारा निकल गया है। और ये देखिए एकदम बटर जैसे होता है ना फ्रेंड्स, लाइक अ बटर जैसी कंसिस्टेंसी है इसकी, जैसे हम इसको बोल सकते हैं बिल्कुल, आपने वो देखी होगी केक की जो क्रीम होती है ना फ्रेंड्स, वो केक की क्रीम टाइप में है। और फ्रेंड्स, अच्छा एक और बात, ये देखिए ये काफ़ी ज़्यादा निकल गया है, देखिए फ्रेंड्स, ये बस मुझे यही लगा कि अच्छे से एब्जॉर्ब तो होता है लेकिन एब्जॉर्ब होने में थोड़ा वक्त लेता है। ये देखिए काफ़ी अच्छी सी फ्रेग्रेंस है, जैसे फ्रूटी सी फ्रेग्रेंस इसके अंदर आती है फ्रेंड्स, जैसे फ्रूट होता है, फ्रूट टाइप में इसके अंदर फ्रेग्रेंस आती है। अच्छा फ्रेंड्स, आप डिफरेंस देख सकते हैं दोनों हाथों का मेरे, आपको ये वाला काफ़ी मॉइस्चराइज और एकदम स्मूथ सा लग रहा होगा। अभी मैंने इसके अंदर इस वाले हैंड में भी मैंने किसी भी मॉइस्चराइज़र का यूज़ नहीं किया है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं डिफरेंस आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स मेरे दोनों हाथों में, ये देखिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी रफ़ लगेगा बट ये एकदम मॉइस्चराइज है, ग्लोइंग है। जैसे ही हम इस मॉइस्चराइज़र को लगाते हैं हमारी स्किन ना एकदम से ग्लो करने लगती है,
तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं मेरे पर्सनल ऑनेस्ट रिव्यू की इस प्रोडक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स मैं काफ़ी हैप्पी हूँ इस प्रोडक्ट से। जब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ मैंने कोई भी होम रेमेडी का या फिर किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं किया। फ्रेंड्स मैं डेली ऑफिस जाती हूँ तो ऑफिस जाने की वजह से मेरे हाथों पर काफ़ी ज़्यादा टैनिंग हो गई थी। तो टैनिंग का मैंने सोचा कि अगर मैं इसका रिव्यू करूँगी तो मैं रिव्यू करने से पहले इसको अच्छे से जाँच परख लूँ कि क्या ये एक्चुअल में वर्क करता है। तो फ्रेंड्स येस, इससे वर्क किया, मेरी स्किन को एक शेड लाइटर बना दिया है। काफ़ी फ़र्क है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है इसमें मेरी स्किन में। अच्छा फ्रेंड एक और बात, मेरी स्किन ना बहुत ड्राई है, बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो इसको यूज़ करने के बाद मुझे बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं होता, मुझे काफ़ी हल्का फील होता है। और फ्रेंड दूसरी बात ये कि बहुत बहुत पहले मैंने बहुत सारे अदर मॉइस्चराइज़र यूज़ करती थी तो फ्रेंड्स चिप 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 करती थी स्किन, तो अब बिल्कुल भी नहीं लगता, एकदम लाइट है ये और स्किन के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके अलावा इसकी फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी है, फ्रूटी सी फ्रेगरेंस है। तो फ्रेंड्स मैं बहुत हैप्पी हूँ इस प्रोडक्ट से। और दूसरी बात ये मुझे अच्छी लगी कि इसका प्राइस भी काफ़ी अफोर्डेबल है फ्रेंड्स, 150 रुपीज़ का है और आप देख सकते हैं अभी भी ये बचा हुआ है। तो एटलीस्ट 150 रुपीज़ का 200 ml की क्वांटिटी में 2 मंथ आराम से चल जाएगा। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, कोई भी इरिटेशन नहीं है और फ्रेंड्स ऑल स्किन टाइप वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। अब वैसे भी विंटर आ गई है तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल फील नहीं कराता कि आपकी स्किन ऑयली है, एकदम लाइट फील कराता है, बिल्कुल चिप चिप नहीं होता, बहुत ही अच्छा मुझे ये लगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही आप भी मुझे बताइएगा कि क्या आपको भी इसने वही रिज़ल्ट दिया जो मुझे दिया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट मी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, बाय बाय।